हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपना ये जो है खुशी, जैसे कि अभी तक आप खुशी है, इस खुशी को कैसे मेंटेन रखें उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। अब देखिए, जैसे इस समय आप सबको लग रहा कि वैकेंसी जो है अब क्लियर है, कि जैसे जुलाई जो है मैं जून चल रहा जून जून जुलाई जुलाई अगस्त में हमने पहले ही बताया था कि जो है जुलाई अगस्त में जो है वैकेंसी आपने जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये खुशी जो हम लोगों के अंदर चल रही है, इस खुशी को कैसे मेंटेन रखना है उस पर चर्चा करना है। तो अब इस खुशी को कैसे मेंटेन रखेंगे, वैकेंसी तो आएगी, आप जानते हैं वैकेंसी आएगी, और कितने लोगों को का सिलेक्शन होगा, 3446 कह सकते हैं, 3477 जो भी है, 3400 प्लस मान लेते हैं या 3500 के आसपास पे, ठीक है। अब इसमें ना अकाउंट कर लेना कि सर 3400 5 आएगी 6 आएगा, इतना ही मोटा मोटा 3500 आएगी वैकेंसी, ठीक है। तो अब इसमें कैसे अपने आप को ये सीट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए आपको, जैसे कि आप वैकेंसी जैसे आए वैसे जो है एक सीट क्लियर हो जाए, ठीक, इस पे बात करना है। और आपको क्या इस समय किस तरीके से क्या करना है इसको ध्यान रखना है, ठीक। मेन चीज क्या है, न्यूज मत देखिए, अब न्यूज देखने का टाइम नहीं है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, न्यूज सिलेक्शन लेना है तो न्यूज से दूर हटिए, न्यूज देखने से कोई मतलब नहीं है। जितना आपको जरूरत है, जो चीजें आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए जरूरत, वो सब पता हो गया है कि वैकेंसी जो है हमारी आ जाएगी। तो यूट्यूब से हट जाइए, आप जो चीजें आपको पढ़ने लायक उसको पढ़िए, यार दोस्त हो उसको हटा दीजिए, जिसे शादी ब्याह में जो जा रहे हो उसको हटा दीजिए, 6-7 महीना जो है दबा करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है इस समय सिर्फ ओनली जो है एग्रीकल्चर पढ़ना है। इस समय जो है आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि हिंदी तो कंप्लीट हो गया है, हिंदी तो सब लोगों ने पढ़ चुका है, डिजनी सब लोगों ने पढ़ चुके हैं, जीएस जो है पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर जो है अभी जो है कम पढ़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर को क्या करना है, दबा के पढ़ना है जितना हो सके। आप कहते हैं कि हम 10 बार जो है सुंदर सर रिवीजन कर लिए हैं, 5 बार रिवीजन कर लिए हैं, तो रिवीजन से पढ़ने से ही नहीं सिलेक्शन होगा। आपके दिमाग में कितनी चीजें रहती हैं, आप 2 पन्ना पढ़िए, नहीं सर हमारा 2 पन्ना हमने आज इसमें पढ़ा है, दोनों पन्ना हमारा जो है तैयार है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ पहले पॉइंट में लिखा है इसका, फिर नहीं लिखा है, फिर नहीं लिखा है। इस तरीके से पढ़ाई करिए और फालतू लोगों से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आज नहीं तो कल जो है ये जो खुशी है इस समय, इस खुशी को अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो दुख हो जाएगा, दिल आप लोगों का टूट जाएगा। कैसे, क्योंकि जानते हैं कि लगभग 80-90 हजार जो है फॉर्म पड़ेंगे, लगभग उसमें आप जानिए कि 20 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से डिस्क्वालीफाई हुए होंगे 1-2 नंबर से। तो आप उनको, उन लोगों से कैसे आपको कंपटीशन को आगे बढ़ना अपने आप को, तो यही मात्र तरीका है कि निगेटिव लोगों से बचिए, निगेटिव चीज़ों से बचिए, फालतू को इधर उधर मत देखिए, जो आपके आपका जो जो है एग्रीकल्चर है उस पर फोकस करिए। जो मित्र एग्रीकल्चर का नोट्स लेना चाहते हैं ओनली एग्रीकल्चर का, तो 88-40-23-24-53 पर कमेंट करके वो परचेज कर सकते हैं। सारा नोट्स जो है बन चुका है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप मेन चीज है, अब हमको इसी हिसाब से करना है, फालतू लोगों से बचना है, ठीक। तो यही था, और नेगेटिव लोगों से बचिए, और इस समय ज़्यादा फोकस करिए एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जानते हैं वेरी ब्रॉड टर्म है, बहुत लंबा है सब्जेक्ट, और उसमें जो है आपको एग्रोनॉमी कंप्लीट करना है, हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करना है, सॉयल साइंस कंप्लीट करना है, पहले तो 3 पॉइंट को कंप्लीट करना है, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, और इसके बाद जो है सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, 3 अच्छे सब्जेक्ट हैं, तीनों को कवर करना अच्छे तरीके से। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर में ही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक। तो यही था, और अपने आप को बना के रखिएगा, सजो के रखिएगा, टूटने ना दीजिए। जानते हो देखो, अभी पहले टूटे हुए थे, आज तो खुशी आ गई कि हाँ लहर आ गई कि नहीं हमारी वैकेंसी, आप लोगों को हम लोगों के सपोर्ट से जो है वैकेंसी जो है आ रही है, जो प्रयास किया गया था उसी का परिणाम है। तो अब इस परिणाम को कैसे, जो खुशी है हमारे अंदर, आप लोगों सबके अंदर में जो खुशी है, ये तभी मेंटेन हो पाएगी जब आप जो है अच्छे से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, 80 हजार बंदे जो है एग्रीकल्चर के पढ़ ही रहे हैं,
पढ़ना हम नहीं सुनना चाहते हैं किसी से कि हम सर पढ़ लिए हैं इतना 10 बार। वो एक कोई अभी कमेंट किए थे, सर हम जो है नेवरा सुंडा जो है 10 बार कंप्लीट कर चुके हैं। 10 बार कंप्लीट करने से नहीं मतलब है, आपके दिमाग में कितना आया है, कैप्चर किया है उसको आप पे, ये नहीं कि हम ऑप्शन में देखेंगे लगा लेंगे, ऐसे नहीं। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन बोले पड़ाक से जो है आपका धड़ाक से बम की तरह जो आपके पास जो है आंसर उसका निकले क्वेश्चन पढ़ते ही। ऐसी तैयारी करिए, अभी बहुत टाइम है। जिसका जो पोर्शन वीक है आप लोग अभी जो है एग्रीकल्चर फिलहाल पढ़िए अच्छे से दबा करके, और अपने आप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जो है असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका जहां पोर्शन कम वीक है तो आप जो है एग्रीकल्चर को दबा के पढ़िए। जो लोग परचेज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर का नोट्स, ओनली एग्रीकल्चर का नोट्स, तो परचेज कर सकते हैं 88 40 23 24 पर, 88 40 23 24 53 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। नोट AGTA नोट्स डाल करके आपको नोट्स मिल जाएगा, उसके नोटिफिकेशन कैसे कैसे प्रोसेस है भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था मेन चीज है, हताश ना होइए, जिंदगी है उतार चढ़ाव तो आएगा ही। तो अपने आप को खूब अच्छे से मेहनत करिए, और जहाँ कमजोर है लिख लिख के पढ़िए। कुछ लोगों का कमेंट आया था सब तैयार नहीं हो रहा है, तो देखिए सबके सबका दिमाग वैसे ही है, तो किसी का जो है एक बार आ जाता है, किसी का 2 बार में आता, सबको है। तो अब जिसको नहीं आता है तो क्या करेंगे, 10 बार लिखेंगे, एक पेज लीजिए उस पर 10 बार लिखिए, नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ हमको याद रखना है, ये चीज़ रखना है, ये चीज़ रखना है। सवाल जो होता है सवाल के बारे में जो है, इंडियन सवाल क्या होते हैं, यूपी सवाल में कहाँ है, कहाँ ज़्यादा सवाल होते हैं, किस क्षेत्र में सवाल कम होती हैं, तो इस सारी चीज़ें आपको जब देखेंगे, मैप से भी बताया है नोट्स में, आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से मेन चीज़ है मेहनत करिए, खुशी को बरकरार रखिए, नहीं तो बाद में जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप लोगों को डिप्रेशन में चले जाएंगे, सर क्या पढ़े क्या छोड़ें, टॉप टॉप करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा उद्देश्य है अभी से आप लोग सतर्क रहिए, और अपने आप को इतने मजबूती से इतना मजबूत बना लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आए तो आपके अंदर जो है खुशियाँ ही खुशियाँ चलती रहें, ये मेरा उद्देश्य है। और अपने माता पिता के सपने को साकार कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब अभी आप जो है 6-7 महीना जो है अपने आप को एक संभाल के रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो भी और क्लासे जो है स्टार्ट हो जाएंगी, कोशिश है मेरी, पहले तो अभी नोट्स के बारे में जो है कि चीज़ें की जा रही हैं, और ठीक है तो आज के क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, देखते हैं। और कुछ लोग जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।